हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम, आप सबको हाथ जोड़ के मेरा ढेर सारा प्यार। अभी अभी मैंने एंटर किया है इस लोकेशन से, दिन की लोकेशन आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, दिखा दे एक बार वहाँ से एंटर किया है। और ये दिन की लोकेशन आपको इसलिए दिखा रहा हूँ पूरी, अभी मैंने जस्ट एंटर किया, मैंने अंदर लोकेशन भी नहीं देखी है। ये आप सबकी डिमांड पर ही लोकेशन मैं ये बनाने जा रहा हूँ, दिल्ली के छतरपुर में। ये एक बहुत बड़ी अबेंडेंट लोकेशन है, पहले ये गौशाला हुआ करती थी, 56 एकड़ में फैली हुई है ये। अब तक की द रियल वन क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ किसी भी हॉन्टेड चैनल की सबसे बड़ी लोकेशन अगर कोई होगी ना तो वो ये होगी। आपको पूरी लोकेशन दिखाता हूँ, आ जाओ। पूरी लोकेशन ये खाली पड़ी हुई है और ये रोड बनी हुई है यहाँ पे, लेकिन बारिशों की वजह से ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पौधे उग चुके हैं। दिन में ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको इस लोकेशन की डेप्थ दिखाना है और कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इस लोकेशन को पूरा देखें कि दिन में ये कितनी बड़ी लोकेशन है, और मेरा कोई पर्पस नहीं है दिन में इस वीडियो को बनाने का, ताकि आप रात को बेटर जज कर पाए कि लोकेशन कितनी ज़्यादा बड़ी है। और जो जो भी इसकी स्टोरी है, जो भी कुछ है, वो मैं आपको बताऊंगा रात को। ये कुछ बना हुआ है एक स्ट्रक्चर जो कि पूरा टूट चुका है, यहाँ पे मेरे को बताया गया था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगली जानवर भी हैं, तो उनका भी खतरा है यहाँ पे। बाकी कुछ इल्लीगल एक्टिविटीज़ भी होती हैं यहाँ पे, और देख सकते हो अभी पूरी रोड अभी भी जारी है उधर, कितनी बड़ी रोड है, और बहुत दूर दूर तक सिर्फ अब आपको जंगल ही दिखाई देगा। ये 56 एकड़ में बनी थी ये गौशाला, हॉन्टेड स्टोरी में आपकी अगर यहाँ को आपको जाननी है कि यहाँ पे हॉन्टेड क्या था, किस लिए हॉन्टेड बोला जाता है, तो उसकी वीडियो मैं रात को बनाऊँगा। बाकी हम कम से कम नहीं तो 400 मीटर अंदर आ चुके हैं, और 400 मीटर अंदर आने के बाद ये जंगल 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 से रोड से सीधे सीधे आते रहे। मैं एक रोड इधर को भी मुड़ी थी, उस पर भी जाके देखेंगे अभी, लेकिन एक ये स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई दिया, इसमें चलता हूँ। इस स्ट्रक्चर को देखने से ही पता लग रहा है कि कितना पुराना है और कितना बड़ा है, देख सकते हो आप, बहुत दूर तक जा रहा है। और इधर भी ये दरवाज़ा खोल के अंदर तक एक गैलरी जा रही है, लेकिन मैं यहाँ पर जाऊँगा रात को, और रात की वीडियो देखना तो भी आपको प्रॉपर देखने को मिलेगी यहाँ की। तो काफ़ी साल पुरानी गौशाला है ये, लेकिन यहाँ पे कुछ बिजली के बोर्ड लगे हुए हैं इधर की साइड। कूड़ा करकट है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना ये छोटा सा बाथरूम टाइप बना हुआ है, लेकिन ये जो बिजली के एक कुछ बिजली का कुछ एक बना रखा है इन्होंने, और ये काफी पुराना है, साफ पता लग रहा है। यहाँ पे आके आप देख सकते हो एक बार इसको, काफी पुराना देखने से ही लग रहा है कि कितना पुराना ये बना हुआ होगा।
मैं दिन में खाली आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ये ज्यादा लंबी वीडियो में बनाऊंगा नहीं, कि ये लोकेशन कितनी बड़ी है। रात को कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के साथ मैं यहाँ पे आऊंगा और इसको एक्सप्लोर करेंगे लोकेशन को अच्छे से। मैं आपको हर वीडियो में एक चीज बताता हूँ कि हर लोकेशन की है ना एक एम्बियंस होता है, हर लोकेशन का एक कह सकते हो कि साउंड, वहाँ की वहाँ का स्ट्रक्चर कुछ अलग ही होता है, वही इस लोकेशन में भी है। मशरूम के पेड़ उगे हुए अंदर, गोबर के अंदर मशरूम के पेड़ उगे हुए हैं, इससे पता चलता है कि यहाँ पर कोई आदम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा जो हर हॉन्टेड लोकेशंस पे होता है ना कि कहीं दारू पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है अब तक। और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, इधर भी बहुत अंदर तक जा रहा है, बहुत अंदर तक देख सकते हो, आगे जाके दिखाएंगे। बहुत दूर तक है और बहुत पीछे तक है, ये सारा कवर मैं करूँगा अभी। तो यहाँ पर देखो आप, प्रॉपर इन्होंने बांध रखा है इसको लोहे की जंजीरों से, लेकिन मैं इसको कवर ज़रूर करूँगा रात को, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन आप इस लोकेशन का आइडिया लो कि कितनी बड़ी लोकेशन है, मज़ेदार। और भी जगह घूमेंगे यहाँ पे। ओ वाओ, कुछ चीज़ें देखो, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखी मेरे को, अभी दिखाता हूँ आपको। सेम ऐसी ये तीसरी भी गैलरी यही है, वो भी बहुत दूर तक है, बहुत पीछे तक, और आप मेरे पीछे देख सकते हो कि कितना दूर आ गए हम इसमें। और आगे कुछ पानी का कुछ रखा हुआ है, फुली अबंडेंट है जगह, कोई ना कोई हिस्ट्री, कोई ना कोई मिस्ट्री पक्का है इस जगह की, वरना तो कोई इतनी बड़ी सुनसान जगह, 56 एकड़, शायद आप आइडिया नहीं लगा सकते ये कुछ पड़ा है। यार पानी की टंकी और अंदर इस कमरे में बहुत सारी कुर्सियां और वो पड़ी हैं। अभी आपको लग रहा होगा लोकेशन यहाँ खत्म हो गई है, लेकिन ये लोकेशन यहाँ भी खत्म नहीं हो गया है, दिखाता हूँ। ये लोकेशन और दूर तक है, देखो आप, ये देखो बहुत सारे जानवर हैं यहाँ पे, उधर देखो कितनी बड़ी लोकेशन है, उधर तक चलते हैं, थोड़ा सा उधर तक चलते हैं, देखते हैं। एक पार्ट ये भी है इस लोकेशन का, और इधर भी एक कुंडी लगी हुई है, ये सारी खोल खोल के दिखाऊंगा मैं आपको प्रॉपर एक एक चीज। रात की वीडियो आई एम श्योर बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, क्योंकि इतनी कुछ चीज़ें, इतने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे दिखाने के लिए। हद से ज़्यादा झाड़ी होने की वजह से आगे तक दिख नहीं पा रहा, मुझे पता है आगे क्या है, आपको पता चलेगा रात की वीडियो में। इसकी छत भी है, कोशिश करेंगे कि हम इसकी छत पर भी जाएं। बहुत बड़ी लोकेशन है भाई, देख सकते हो आप, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार। मैं पूरा इन झाड़ियों में से आगे तक जाऊंगा रात को। अभी आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूं, जो मैं इस वीडियो में, जो दिन की वीडियो में आपको एक लोकेशन दिखाना चाहता हूं, रात को है ना आपको लोकेशन दिख पाती है जहां तक लाइटिंग होती है, लाइटिंग के बाहर आपको लोकेशन दिख नहीं पाती। तो सिर्फ मैं आपको रात को इतनी लोकेशन दिखा रहा हूं, दिन में इतनी लोकेशन दिखा रहा हूं,
कि आपको एक आइडिया हो सके। देखो ये कोई ट्रैक्टर की ट्रॉली खड़ी है जो पता नहीं कितने साल से यहाँ पर खड़ी होगी और खड़े खड़े इसमें लग गया जंग और जो कि बुरी हालत में हो चुकी है। इसके टायर देख, पास जाके दिखा एक बार, इसके टायर्स, इसका स्ट्रक्चर पूरा खराब हो चुका है, ये पूरी गल चुकी है। कितने साल हो गए होंगे इसको दोनों, बट इंटरेस्टिंग जगह है। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग और चीज़ दिखी है, आओ जल्दी दिखाता हूँ आपको। जाए कहाँ से जाए, कहाँ से तो पूरा बंद है, उधर से जाया जाएगा आई थिंक सो, उधर से और रास्ता आ जा, जल्दी जल्दी आ जा। मैं आपको एक दिखा रहा हूँ कि ये ट्रक देखो कितना ज़्यादा पुराना है भाई, इसकी हालत बता रही है कि इसका लोहा ऐसे टूट टूट के हाथ में आ रहा है। और ये काफ़ी पुराने ज़माने में जो टाइप के ट्रक चला करते थे वो ट्रक है ये। आप प्रॉपर इसका देखो एक बार सामने से दिखाऊँ, और पूरे टायर वायर सब इसके बेकार हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा इसमें। और कुछ एक मज़ेदार बात जो ये है वो ये है, आप देख सकते हो टायर भले ही इसके वो है लेकिन अगर ये टायर निकालने होते तो स्टेपनी का टायर भी जाता, ठीक है स्टेपनी का टायर भी जाता। इंजन इसका वैसे का वैसे ही है अभी भी, ये नीचे दिख रहा है इसका इंजन। बड़ी इंटरेस्टिंग लोकेशन है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग लोकेशन, बहुत मज़ेदार लोकेशन, और ये लोकेशन बहुत बड़ी है। ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस लोकेशन पे भरी पड़ी हैं, मैं नहीं सोच सकता था कि मेरे घर से 24 या 25 किलोमीटर दूर मुझे ऐसी लोकेशन देखने को मिलेगी इतने साल बाद, और मैं सच में हैरान हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। एक सामने और आप देख सकते हो, उधर अगर दिखेगा तो बहुत जूम करना पड़ेगा, नहीं दिख रहा, लेकिन वहाँ पर भी ना एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, उसकी भी यही कंडीशन है, बिल्कुल क्लीन, लेकिन बस ऐसा लग रहा है जैसे उसको पेड़ों ने अपने अंदर ले लिया हो, क्योंकि पेड़ उसके बीच में से निकल रहे हैं ऐसे ऐसे। रात को दिखाऊंगा शीशे भी, मतलब इसके देख लो अभी आप, ये जो ग्लास हुआ करते थे खिड़की के, ये भी अभी ऐसे ही हैं। बहुत ज़्यादा स्टोरी यहाँ की इतनी ज़्यादा एपिक है, आप सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते। विद प्रूफ मैं लोगों के आसपास के जबान से आपको यहाँ की स्टोरी सुनाने की कोशिश करूँगा, आपको मज़ा आएगा, आप कहोगे कि सीरियसली कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतनी बड़ी 56 एकड़ में फैली हुई, बहुत दूर तक है यार ये। अभी मैंने ये लोकेशन आपको 7 या 8% दिखाई होगी, मैक्सिमम 10, 90% लोकेशन अभी ये रात को मैं कवर करूँगा, जो कि मुझे पता है कहाँ कहाँ क्या क्या है। मज़ा आएगा आपको देखने में। सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका नाम कुछ चेंज होने वाला है, कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो उस पर आने वाली है। एक्चुअली मैं बता देता हूँ, उसकी जो वीडियोज़ हैं वो अब इस मंथ के एंड से चालू हो जाएंगी आनी, और उस पर रेगुलर वीडियोस आएंगी, तो उस चैनल को भी प्यार देना। कुछ अलग ही चीज़ देखने को मिलेगी, एक अलग पहलू देखने को मिलेगा आपको। तो मैं चाहता हूँ आपने जितना प्यार इस चैनल को दिया है उतना ही प्यार आप उस चैनल को भी दें मेरे। और बाकी लव यू, टेक केयर, बाय बाय, और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें,
ताकि आप लोगों से ही मुझे ऐसी लोकेशंस का और पता चलता है। कितनी प्यारी लाइटिंग आ रही है सूरज की, और आप लोगों से मुझे पता लगता है ऐसी प्यारी लोकेशंस के बारे में। अच्छा लगता है, इतनी लोकेशंस कवर कर चुका हूँ मैं, सबको पता है 100+ लोकेशन हो चुकी हैं, 1000+ भी होंगी, लेकिन वो आप लोगों की वजह से पॉसिबल है। तो लव यू, टेक केयर, बाय बाय। हमने ये वीडियो एंड कर दी थी, लेकिन अभी हम जाने लगे, इतने भी हमें ना नील गाय दिखाई दी। जिसको नहीं पता होगा नील गाय, इंग्लिश में सर्च कर लेना भाई, यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको। बाकी ये जो नील गाय होती हैं, ये जंगलों में रहती हैं ज़्यादातर। देखो आपको सामने दिख रही है नील गाय, दिखा इनको, दिखा दिखा। तो यहाँ बहुत जानवर है, ये नील गाय हैं जो जा रही है। एक पीछे भी है उसी ट्रक के, चल थोड़े आगे चल। अभी जैसी देखेगी हमें भाग जाएगी। ये देख सकते हो आप, दो है, एक नहीं है, दो है। ये देखो जंगल में चली गई, ये तो जंगल में चली गई। कोई नहीं, रात को मेरे को काफ़ी बंदों ने बताया कि यहाँ पर सियार भी हैं, भेड़िया जो टाइप होते हैं, और काफ़ी और जानवर हैं, तो थोड़ा इन्हीं का ही है मेरे को डर। बाकी विद प्रूफ लोगों ने बोला है कि हर बार यहाँ पर कुछ ना कुछ उनको एक्टिविटी दिखाई दी है, तो हम भी देखेंगे। बाकी लव यू, टेक केयर, बाय बाय। दोबारा आपका टाइम वेस्ट इसलिए करा था कि ये दिख गई थी, तो मैंने सोचा आपको दिखा दी जाए। थैंक यू सो मच। अरे दिक्कत कर देंगे, रियल 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 फन कर दे कांड खुले आम, रियल 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 फन मौज चाले सुबह शाम, रियल 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 फन चाटे शाटे धर देंगे, रियल रियल रियल, अरे दिक्कत कर देंगे।